एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था मंगली। मंगली का घर गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में था। मंगली बहुत गरीब थी, इसलिए वो अपना गुजारा भीख मांगकर करती थी। उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। मंगली बिचारी पूरा दिन भूखे पेट भीख मांगती और भूखे पेट ही सो जाती। सभी लोग उसकी गरीब हालत को देखकर धिक्कारते थे। एक दिन मंगली भीख मांगने के लिए मोटे सेठ लाला के घर जाती है। अरे कोई है घर पर? कोई मुझे खाना खाने को दे दो। इस बूढ़ी औरत की पुकार सुन लो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तभी लाला की बीवी मंगली की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। क्या है, तुम्हें भीख मांगने को यही जगह मिली थी? इतना बड़ा और सुंदर घर है हमारा, और तुम आ गई इस फटीचर हालत में भीख मांगने। चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। मालकिन कुछ भी दे दो खाने के लिए, मैं खा लूंगी। मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। लाला की बीवी मंगली को देखकर थोड़ा तरस खाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। वो घर के अंदर जाती है और बासी रोटी लाकर मंगली को दे देती है। मंगली बासी रोटी देखकर भी खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मंगली उस बासी रोटी को खा लेती है और उसे खाने के बाद उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उस एक रोटी को खाकर मेरी भूख नहीं मिटी। अब मैं क्या करूं? किससे जाकर खाना मांगूं? काश कोई आकर मेरी मदद कर देता। तभी मंगली की रोने की आवाज एक परी सुन लेती है। अम्मा, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत परेशानी में हो। एक तो बूढ़ी हो चुकी हो, ऊपर से खाने को कुछ नहीं है आपके पास, इसलिए मैं आपको एक जादुई चमचा देती हूँ। कैसा जादुई चमचा? उससे मेरा क्या लाभ? ये जादुई चमचा आपकी भूख मिटा सकता है। आपको किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। परी वो जादुई चमचा मंगली के हाथ थमाकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब इस जादुई चमचे का मैं क्या करूं? तभी मंगली के हाथ से वो जादुई चमचा उठकर बोलने लगता है। अरे अम्मा, जरा मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, तुम तो सच में जादुई चमचा हो। लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूं? मेरे पास तो खुद ही कुछ खाने के लिए नहीं है। तुम मुझे फूल पत्ती कुछ भी खिला दो, मेरी उसी से भूख मिट जाएगी। अरे बड़ा अजीब जादुई चमचा है, इसकी भूख फूल पत्ती से ही मिट जाती है। रुको जरा, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए। मंगली आसपास से कुछ सुंदर फूल तोड़कर जादुई चमचे के सामने रख देती है। जादुई चमचा वो फूल खा लेता है। चलो अब मेरा पेट भर गया, अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। मंगली नजर गड़ाकर उस जादुई चमचे को देखती रहती है कि वो कैसे उसके लिए खाना बनाता है। जादुई चमचा जादू से खाने का सामान प्रकट करता है और एक कड़ाही में डालकर खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद वो मंगली को परोस कर दे देता है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना बढ़िया खाना बनाया है तुमने। आज मेरी भूख तृप्त हो गई, मैं बहुत खुश हुई तुमसे। अब मंगली जादुई चमचे की मदद से अपने खाने की व्यवस्था करती है। एक बार दो शैतान लड़कों की नज़र उस जादुई चमचे पर पड़ती है। वो दोनों मंगली की झोपड़ी के पीछे छिपकर देखते हैं कि वो जादुई चमचा बिना किसी मदद से खाना बना रहा है। अरे देख तो मोहन, वो चमचा कैसे काम कर रहा है। हाँ सोहन, मैं देख रहा हूँ, वो बूढ़ी अम्मा तो आराम से बैठी है और वो चमचा खाना बना रहा है। उसके बने हुए खाने की सुगंध यहाँ तक आ रही है, तो सोचो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। एक काम करते हैं, आज रात हम इस चमचे को चोरी कर लेंगे और इसी से अपना खाना बनवाएंगे। हाँ सही कहते हो। रात को जादुई चमचा खाना बनाने के बाद थक कर आराम करने लगता है और मंगली भी सोने चली जाती है। तभी सोहन मोहन उस जादुई चमचे को चोरी करने आते हैं। वो दोनों चुपके से झोंपड़े के अंदर घुसते हैं और सोहन जादुई चमचे को उठाकर जल्दी से बाहर ले आता है। जादुई चमचा उन दोनों को देखकर चिल्लाने लगता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दोनों मुझे चोरी करके ले जा रहे हैं। मंगली उठो। मंगली जादुई चमचे की आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर आती है और सोहन मोहन के पीछे भागने लगती है। लेकिन सोहन मोहन बहुत तेज भागने लगते हैं और मंगली बूढ़ी होने की वजह से इतना तेज नहीं भाग पाती।
मुझे एक युक्ति आई है, अभी इन दोनों चोरों को बताता हूँ। जादुई चमचा अपने आप को बहुत गर्म कर लेता है, जिसकी वजह से सोहन के हाथ जलने लगते हैं और वो जादुई चमचे को जमीन पर पटक देता है। अरे मोहन, इसने मेरा हाथ जला दिया, हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो बूढ़ी अम्मा हमें पकड़ लेगी। मंगली अपने जादुई चमचे को हाथ में उठा लेती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई, अब मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। एक दिन मंगली कुछ सोच रही होती है। न जाने कितने लोग मेरी तरह भूखे पेट सोते होंगे, कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें। मुझे इस जादुई चमचे की मदद से लोगों का भला करना चाहिए और उन्हें खाना खिलाना चाहिए। मंगली जादुई चमचे की मदद से लोगों को खाना बांटने का निर्णय करती है और लोगों की मदद करती है। ये देखकर जादुई चमचा देने वाली परी बहुत खुश होती है। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि मैंने एक अच्छे इंसान के हाथ में ये जादुई चमचा दिया है।